स्पॉट है जहाँ पे वो कपल्स वगैरह या फिर लोग अपनी फोटो लेते हैं ना, ऊपर से प्लेन जा रहा है वो। मेरे को फाइनली जॉब मिल गया, काफी अच्छा नेचर है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं राम मंदिर में, है वो वेस्ट इंडियन ने बनाया, वेस्ट इंडियन ने बनाया, इंडियन ने नहीं। ओह दैट्स ग्रेट। और आते यहाँ पे सबसे ज्यादा गुजराती। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन अतरवाल व्लॉग्स। होपफुली आप सब उनके बढ़िया गाइस, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 9 बज चुके हैं, देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मेरा सेकेंड डे है जॉब पे एंड 9:15 पे मेरी बस आने वाली है। सो फटाफट से रेडी होते हैं एंड रेडी तो सॉरी मैं हूँ, हुडी डाल लिया मैंने क्योंकि अब यार हवा चलने लग गई है बाहर, तो हुडी जरूरी है वरना तबीयत खराब हो जाएगी। तो बस अभी बैग उठाते हैं और चलते हैं फटाफट अपनी लोकेशन पे। तो ये अभी फटाफट चलते हैं बस स्टॉप पे, बिल्कुल पास लगता है यार बस स्टॉप, ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। एंड फिर चलते हैं सीधा बस स्टॉप से जॉब पे, अगर हो सका तो मैं जॉब पे आपसे ब्रेक में मिलूंगा और थोड़ी बहुत बातें करूंगा। अभी मौसम तो देखो गाइस काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है यार यहाँ पे, है ना, मतलब एकदम साफ आसमान है बिकॉज यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है। एंड इवन जब से मैं इंडिया से आया हूँ ना, मैंने हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी भाई यहाँ पे। मुझे तो ये भी नहीं पता यहाँ पे गाड़ियों में हॉर्न है भी या नहीं, मैं तो देखा ही नहीं एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पे एक भी बंदा हॉर्न नहीं जाता। तो अभी चलते हैं अपनी बस की वेट करते हैं एंड फिर चलते हैं। सो गाइस अभी मैं अपने काम पे पहुंचने वाला हूँ और गेस करो मैं कहाँ पे होऊंगा, मैं बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ में हूँ। देखो यहाँ से सारी फ्लाइट्स जाती आती है, मैं भी यहीं पे आया था, इसी एयरपोर्ट पे उतरा था गाइस। और ये वो स्पॉट है जहाँ पे वो कपल्स वगैरह या फिर लोग अपनी फोटो लेते हैं ना, ऊपर से प्लेन जा रहा है एंड फोटो ले रहे हैं, तो ये है वो मेन स्पॉट जहाँ से सभी फोटो लेते हैं बिकॉज यहाँ से हर एक मिनट में 2 से 3 फ्लाइट टेक ऑफ करती है। अभी मैंने आपको दिखाई है मेरे आगे से अभी 5 फ्लाइट निकल चुकी है। वो देखो गाइस जितने मैंने बोला इतने में एक और फ्लाइट आ गई, बिल्कुल ऊपर से जाएगी गाइस हमारी ये गई। सो गाइस अभी हम बैठे हैं हमारे वर्क ओनर के साथ मिस्टर विपिन, राइट? हाय मैम। ओके सो गाइस अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे लेके जा रहे हैं सर मेरे को घुमाने यहाँ पे सबसे। गुरुद्वारे और मंदिर दोनों। अरे गुरुद्वारा भी और मंदिर भी दोनों। तो मेरे को फाइनली जॉब मिल गई, काफी अच्छा नेचर है इनका एंड इनके लड़के से भी बात हुई भाई, हिज सन इज लाइक वेरी अमेजिंग। वी वर डिस्कसिंग सम आइडियाज, हम कुछ आइडियाज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो लाइक वो कितने इयर्स के, 14 ना, ही इज जस्ट 14 एंड डिफरेंट आइडियाज दे रहे हैं भाई। और लाइक इनके खुद के यहाँ पे 4 to 5 बिजनेसेस हैं, इंडिया वाले राज कर रहे हैं कनाडा में, है सर, हाइब्रिड गाड़ी लेके घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हाँ मेहनत कर रहे हैं, इंडिया का रोशन कर रहे हैं ना, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं वही। तो मतलब मेहनत मीन्स राज ना, लाइक मेहनत करोगे तो राज तो करोगे ही ना, दैट्स ऑब्वियस। हाइब्रिड गाड़ी लेके घूमेंगे, स्माइल दिख रही है आपके फेस में सर। तो अभी चलते हैं गाइस, कुछ खाए पियेंगे और साथ में गुरुद्वारे जाएंगे और मंदिर जाएंगे, या फिर ऐसा करेंगे गुरुद्वारे में लंगर खा के आएंगे। आज बहुत दिन हो गए भाई गुरुद्वारे नहीं गए, तो काफी पॉजिटिव वाइब आने वाली है, चलते हैं। सो गाइस अभी हम गुरुद्वारे जाके आ चुके हैं, लेकिन मैंने अंदर का शूट नहीं किया बिकॉज अगर ऑप्शंस पे करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे सिर्फ अपना मत्था टेको एंड अच्छे से मत्था टेक किया होगा। और ये रहा सामने हमारा गुरुद्वारा एंड साथ में है ये हमारा खंडे का निशान कहते हैं जिसको, देखो भाई पूरा मतलब पूरा, और साथ में देखो यहाँ पे पंप सिस्टम रखा हुआ है, मतलब इसको नीचे भी ला सकते हैं, इसको डेकोरेट करते हैं ना दिवाली पे और गुरुपर्व पे, दिवाली पे और गुरुपर्व पे डेकोरेट करते हैं, तो लाइक काफ़ी अच्छा लगता है। अभी दिवाली आने वाली है जब जरूर आएंगे एंड अभी हम लंगर खा के आए हैं तो काफ़ी टेस्टी था, सच्ची बता रहा हूँ सर, अभी घर वाली वाइब आई है खाने की। रियल में घर पे बना के खा रहे थे ना, उसमें भी खाने की वो वाइब नहीं आ रही थी जो अब आई है। तो अभी इसके बाद थोड़ी बहुत बातें करेंगे एंड फिर चलते हैं हम घर पे। अच्छा मंदिर भी चलते हैं अभी, राम मंदिर। ओके तो गाइस अब हम जाएंगे राम मंदिर, ठीक है, तो इसके बाद हम राम मंदिर जाएंगे। एंड भाई भूल गया था यहाँ पे सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है भाई, इंडिया वालों को आदत ही नहीं होती ना सीट बेल्ट की, दैट्स अ रॉन्ग थिंग, बट लगानी चाहिए अपनी सेफ्टी है। तो अभी चलते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं राम मंदिर में भाई, थैंक यू सो मच सर, बहुत घुमा पहले मेरा, थैंक यू सो मच सर, बहुत घुमा रहे हो आप मेरे को। गणेश चतुर्थी, तो गाइस हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड अंदर जाके आते हैं, यहाँ पे भी मत्था टेक के आते हैं, बट आई विल नॉट टेक अ शॉट बिकॉज अंदर जो है वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड है, अंदर अलाउड है, ठीक है,
और इसको जो बनाया है वो वेस्ट इंडियन ने बनाया है। वेस्ट इंडियन ने बनाया है, इंडियन ने नहीं। ओह दैट्स ग्रेट। और आते यहाँ पे सबसे ज्यादा गुजराती है। दैट्स और भी, वो और भी अमेजिंग हो गया। तो अभी चलते हैं। हर हर त्योहार पे प्रोग्राम होता है। ओके दिवाली होली जन्माष्टमी ठीक है। और यहाँ पे बच्चों का संस्कृत स्कूल भी है। संस्कृत स्कूल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। यहाँ पे एक साल जब 3 साल का था तो यहाँ पे संस्कृत के स्कूल में आया था। ओह नाइस। विनील गए सर के बेटे का। तरफ पेड़ पौधे काफी, मतलब अच्छी वाइब्स आ रही है भाई। अंदर चलते हैं अभी। पति पप्पा मोरिया गाइस। चलो तो यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, जो भी नवरात्रि वगैरह जो भी करना है। तो गाइस ये है यहाँ का कॉरिडोर एंड अभी ओके बाल विहार प्रोग्राम अपस्टेयर्स ठीक है। ओके संस्कृत हमारे इस राम मंदिर के फाउंडर हैं ये। इनका नाम गाइस आई विल कंफर्म एंड टेल यू, जल्दी ही बताऊंगा। हाँ जी मिस्टर शर्मा गाइस इनका नाम। यहाँ पे अपने सारे मंदिरों के प्राचीन लाइक फोटोज भी लगी हुई हैं और साथ में यहाँ पे देखो ये शॉप है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। अच्छा ग्रैंड नवरात्रि फेस्टिवल देखते हैं भाई, करेंगे ट्राई करेंगे आएंगे नवरात्रि में। सो गाइस अभी मैं घर आ गया हूँ बाहर से एंड सारी की सारी वीडियो एडिट हो गई है, लास्ट पार्ट शूट कर रहा हूँ। और साथ में ये देखो हमारी माता वीडियो कॉल पे। क्या बात है, क्या कर रही है मम्मी? कुछ नहीं, बात कर रही हूँ। पापा सो रहे हैं। किधर? ठीक है वीडियो अब वीडियो आ जाएगी आधे घंटे में, उसको देख। ठीक है सो गाइस ऐसे ही अब मैं सोच रहा हूँ लाइक डेली व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि वर्क पे तो जाने लग गया, कुछ ना कुछ तो मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। ठीक है एंड किस किस ने मेरी इंस्टाग्राम पे फैशन रील देखी या नहीं देखी है कमेंट जरूर करना। इंस्टाग्राम पे जाके मेरी फैशन रील ज़रूर देखना गाइस, नीचे मैं अपना इंस्टाग्राम शो कर रहा हूँ। ठीक है तो काफ़ी अच्छी बनी है, मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। बाकी वीडियोज़ इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी बोल लगी, तो काफ़ी मतलब उस पर उसका मैंने प्रीमियम वर्जन बाय किया है कैपकट का। ठीक है तो उससे एडिट वगैरह की और काफ़ी अच्छी बनी है, तो ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो टाटा बाय बाय।